नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बोचहा विधानसभा उपचुनाव होने वाला है और अमर पासवान अभी नामांकन करके आए हैं। बात करेंगे अमर पासवान जी से, क्या लगता है बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर? जी, आज मैंने अपना नॉमिनेशन भर दिया है और आप लोगों के बीच में और जनता के आशीर्वाद से वन टू वन है। तमाम यहाँ की जनता जो आई हुई थी और उनका प्यार और स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा और उन्होंने कहीं ना कहीं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है मुसाफिर पासवान जी के परिवार के प्रति, उनके प्रति, कि आज कितनी भीड़, तमाम भीड़ आपने जो देखी, ये सभी हमारे वोटर, सभी साथी अलग अलग आपके क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग पंचायतों से, काफ़ी भीड़ के साथ हमें नॉमिनेशन में पूरी मजबूती के साथ अपना रखने का मौका मिला। मुकेश सहनी जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं हितेशी हैं लेकिन बहुत ही तीन दिन बहुत लेट कर दिया उन्होंने कहीं ना कहीं, और आज भी वो एक फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, इसके लिए मैं दुखी हूँ। अच्छा, फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं? आज भी वो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। आज उन्हें लालू जी के विचार पे वो चलते हैं। उन्होंने अभी भी कहा था कि लालू जी के विचारों से रखते हैं, उनका संबंध है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी वो राजद परिवार को कहीं ना कहीं, अपने पुराने परिवार को मजबूती प्रदान करें और मुसाफिर पासवान जी जो उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, उनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर वो हमें अपना सपोर्ट देते। अच्छा अमर जी, बेबी कुमारी जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो है दलितों के साथ छल किया है, क्या लगता है? यहाँ कहाँ छल किया है, उन्होंने तो मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। छल तो बीजेपी ने किया है कि उन्होंने एक दलित का टिकट काट दिया है, जिनके परिवार से आज लोकतंत्र के इतिहास में, आज पहली बार इस भारतवर्ष में ऐसा हुआ है कि आज एक विधायक, सिटिंग विधायक, जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिवारजनों को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपना ही एक अलग मिजाज रखा और अपने ही उन्होंने अपना आगे बढ़ गए और अपने गठबंधन को भी नहीं पूछा उन्होंने। लगातार क्षेत्र में आप भी भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है, किस तरीके के रिस्पांस आ रहे हैं सामने? बहुत ही अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं और मैं बहुत एक्टिव कार्यकर्ता रहा हूं अपने बाबूजी के समय से भी, और इनका तमाम नौजवानों का, बड़े गार्जियनों का आशीर्वाद रहेगा मेरे प्रति और मैं तन मन से लगा रहता हूँ क्षेत्र के विकास के लिए। तो मुझे पूर्ण रूप से है कि मैं 12 तारीख को विजय माला मेरी बोचहा विधानसभा की जनता मुझे पहने। अच्छा, एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव आ रहे हैं? जी जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। चलिए, तो देखिए ये अमर पासवान थे, पूरे कॉन्फिडेंट में नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि बोचहा विधानसभा का जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं और जो बीजेपी जो है, बीजेपी ने छलने का काम किया है। हालांकि मुकेश सहनी को लेकर के थोड़े से नर्म दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि अभी भी मुकेश सहनी जो है वो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं लेकिन जमकर विरोध किया है और पूरे तरीके से बीजेपी पर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि दलितों का अपमान बीजेपी ने किया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बोचहा जो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जनता हमारे साथ है। तेजस्वी यादव भी जल्द चुनाव प्रचार में दिखाई देंगे और भी अपडेट्स देंगे। बने रहिए इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।